Swayam Prabha, Digital India, Educated India. दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरा पाठ्यक्रम है श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान और इस पाठ्यक्रम में आज हम छठे व्याख्यान के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निपटारा औद्योगिक विवादों की रोकथाम और उसका निपटारा एक महत्वपूर्ण विषय है औद्योगिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और औद्योगिक प्रगति के लिए इस व्याख्यान में हम औद्योगिक विवादों के रोकथाम एवं निपटारे की आवश्यकता को समझेंगे तत्पश्चात औद्योगिक विवादों के रोकथाम एवं निपटारा के लिए वैधानिक उपाय को समझेंगे और हम उन उपायों को समझने का प्रयास करेंगे जो औद्योगिक विवादों के रोकथाम के लिए बने हुए हैं और साथ ही साथ उन उपायों को भी समझने का प्रयास करेंगे जो औद्योगिक विवादों को आ, के निपटारा करने के लिए बने हुए हैं इसके बाद औद्योगिक बार विवादों के न्याय निर्णय हेतु श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ विवादों को कंसिलियेशन बोर्डों को अदालतों को या फिर न्यायाधिकरणों को संदर्भित किए जाने का प्रोविज़न भी समझेंगे और अंत में औद्योगिक विवादों को निपटारने के लिए निपटारित किए जाने के लिए जो स्वैच्छिक मशीनरी का विकास हुआ है उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे औद्योगिक विवादों का रोकथाम एवं निपटारा औद्योगिक विवाद जब आप औद्योगिक विवाद की चर्चा करते हैं तो इस चर्चा की पृष्ठभूमि में हमें ये याद होना चाहिए हमें ये स्मरण होना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में नियोक्ता और कर्मगार के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम औद्योगिक संबंध कहते हैं और एक स्वस्थ और अच्छा औद्योगिक संबंध होना उत्पादन को बढ़ाने के लिए या फिर उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है अगर किसी उद्योग में उत्पादन सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा तो वहाँ उस उद्योग में उस नियोक्ता का और साथ ही साथ उसके कर्मचारियों का आर्थिक हित संरक्षित नहीं हो पाएगा ऐसे में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो औद्योगिक संबंध है उस औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करना सुदृढ़ करना बहुत परम आवश्यक है और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि किसी उद्योग में जब एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद को का निपटारा नहीं किया जाता या उसके रोकथाम का उपाय नहीं अपनाया जाता है तो वही औद्योगिक विवाद उस औद्योगिक संबंध को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और जब भी औद्योगिक संबंध प्रभावित होगा उत्पादन प्रभावित होगा और अल्टीमेटली नियोक्ता प्रभावित होगा कर्मचारी प्रभावित होंगे और और उपभोक्ता प्रभावित होंगे तो ऐसे में हमारे लिए ये अपरिहार्य है कि हम औद्योगिक विवादों के रोकथाम और उसके निपटारा किए जाने के से संबंधित जो जो विषय है उसके एक विस्तृत चर्चा करें इसी संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि जो औद्योगिक संबंध है कि संकल्पना है एक गतिशील सामाजिक आर्थिक संकल्पना है और इस संकल्पना में नियोक्ता और कर्मचारी का एक दूसरे के विपरीत मांग होता है और उस मांगों को पूरा किए जाने के लिए उत्पादन का आवश्यक है अगर औद्योगिक संबंध प्रभावित होता है तो समुदाय के समुदाय के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः उत्पादन को बनाए रखना और साथ ही साथ सेवा के निर्बाध आपूर्ति हो सके इसके लिए औद्योगिक विवादों का का रोकथाम किया जाना या फिर इनका निपटारा किया जाना परम आवश्यक है साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए या फिर मधु मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए औद्योगिक विवादों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना आवश्यक है इसका रोकथाम किया जाना आवश्यक है इसी संदर्भ में इस संदर्भ इस इस संबंध को बनाए रखने में औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में इसको स्वस्थ बनाने में इसको सुदृढ़ बनाने में राज्य की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है यहाँ यह चर्चा करनी कर लेनी चाहिए कि राज्य की भूमिका क्यों आवश्यक है क्यों न वह औद्योगिक संबंध जो कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का एक संबंध है नियोक्ता और कर्मचारी आपस में मिलकर के उस औद्योगिक संबंध को बनाए नियुक्ता और कर्मचारी आपस में मिलकर औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ बना सकते हैं औद्योगिक संबंध को शांतिपूर्वक स्थापित कर सकते हैं और उत्पादन को सुनिश्चित कर सकते हैं लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि औद्योगिक प्रणाली में जो नियुक्ता होता है उसका एक प्रभुत्व होता है और अगर उस अपने प्रभुत्व का उपयोग करके वह कर्मचारियों की मांगों को ठुकरा देता है या नहीं मानता है या उनकी मांगों को पर विशेष ध्यान नहीं देना है तो ऐसे में औद्योगिक विवाद उत्पन्न होना और उसका निपटारा न किया जाना दोनों संभव है तो इस परिस्थिति में जो राज्य की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है राज्य को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा और राज्य की ये जिम्मेदारी है कि औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में अपनी एक भूमिका का निर्वहन करें राज्य इस औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में हस्तक्षेप करता है विधियों के माध्यम से विधि बना करके के उस विधियों के माध्यम से औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए उपबंध बना करके या फिर औद्योगिक विवादों के निपटारा किए जाने का उपबंध बना करके राज्य औद्योगिक संबंध को स्थापित करने में सुदृढ़ करने में स्वस्थ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्य के द्वारा जो विभिन्न उपाय बनाए गए हैं जिसके द्वारा औद्योगिक विवादों की रोकथाम की जाएगी या फिर उसका निपटारा किया जाएगा उन उन आ, उपायों को हम वैधानिक उपाय और स्वैच्छिक उपाय दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं रोकथाम एवं निपटारा वैधानिक उपाय औद्योगिक विवादों का रोकथाम और निपटारा उसके लिए क्या क्या वैधानिक उपाय भारत में औद्योगिक और श्रम विधि के अंतर्गत दिए गए हैं तो यहाँ पर रोकथाम और निपटारा दो शब्द हैं दो शब्दों की प्रकृति पर हमें ध्यान देना चाहिए राज्य का ये प्रयास है कि औद्योगिक संबंध सुनिश्चित हो वह बरकरार रहे उत्पादन सुनिश्चित हो इसके लिए राज्य ने जो मशीनरी विकसित की है उस मशीनरी में रोकथाम की भी मशीनरी है और साथ ही साथ निपटारे की भी मशीनरी है अर्थात प्रारंभ में राज्य के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि नियोक्ता और कर्मचारी आपस में मिलकर के एक ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करें कि औद्योगिक विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति ना आवे अर्थात नियोक्ता और कर्मचारी औद्योगिक विवाद के रोकथाम के लिए अग्रसर होंगे और उसके लिए कुछ कुछ उपायों को श्रम एवं औद्योगिक विविधि में यहाँ पर बताया गया है राज्य के द्वारा बताया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे दूसरी तरफ जब हम औद्योगिक विवाद के निपटारे की बात करते हैं तो जब एक बार एक औद्योगिक विवाद अस्तित्व में आ जाता है शुरुआत में हमने औद्योगिक विवाद को रोकने का प्रयास किया कि औद्योगिक विवाद ना हो लेकिन अगर औद्योगिक विवाद हो जाता है तो ऐसे में अब उस औद्योगिक विवाद का यथाशीघ्र निपटारा किया जाना आवश्यक है तो ऐसे में राज्य की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्य ने विधि बना करके किसी औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए ढेर सारे मशीनरी का विकास किया हुआ है उसके माध्यम से हम औद्योगिक विवाद का निपटारा करेंगे औद्योगिक विवादों के निपटारा के लिए जो वैधानिक उपाय दिए गए हैं वो भारत में मुख्यतः औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में दिए गए हैं अगर हम बात करें तो औद्योगिक विवाद अधिनियम से पूर्व जो जो अधिनियम था उन्नीस का उसमें व्यापार विवाद अधिनियम के नाम से जाना जाता था उसमें भी औद्योगिक विवादों की रोकथाम और उसके निपटारा के लिए उपबंध किया गया था लेकिन वो बहुत ही संक्षिप्त संदर्भ में था बहुत ही लिमिटेड सेंस में उसको प्रमुख रूप से आज के समय में जो औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटारा किए जाने के लिए विभिन्न मशीनरी का उल्लेख है उसका उल्लेख औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में किया गया है और समय समय पर इसमें संशोधन करके औद्योगिक विवाद अधिनियम के रोकथाम औद्योगिक विवाद के के रोकथाम और, और निपटारे के लिए मशीनरी को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है इसी आलोक में हम सभी जानते हैं कि 2020 में भारतीय संसद ने भारत ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 पास किया है यह संहिता अभी लागू नहीं हुआ है अगर यह संहिता लागू होगा तो यह संहिता औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस को उसको प्रतिस्थापित कर देगा और और जितने भी रोक विवाद औद्योगिक विवादों के रोकथाम और निपटारे के लिए उपाय दिए गए हैं वो उपाय हमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में देखने होंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य है औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखना और उसी औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में ढेर सारे वैधानिक उपायों की चर्चा की गई है और इसी इसी संदर्भ में औद्योगिक सद्भाव बनाए रखने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों का गठन किया गया है तो इस तरह से औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस का एक उद्देश्य ढेर सारे प्राधिकरणों का गठन करना है जिसके माध्यम से हम औद्योगिक विवाद के रोकथाम या फिर इसके निपटारे का, का काम कर पाएंगे अगर हम इस इस प्राधिकरणों पर बात करें तो सर्वप्रथम हम उस प्राधिकरण की बात करेंगे उन उन उस प्राधिकरणों की बात करेंगे जि जिनका उद्देश्य औद्योगिक विवाद का रोकना है औद्योगिक विवाद को रोकना है रोकथाम करना है मतलब शुरुआत से ही एक प्रयास करना है कि किसी उद्योग में एक प्राधिकरण होगा और वो प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो पाओ इसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में कार्य समिति की चर्चा की गई है वर्क कमेटी की चर्चा की गई है और यह कार्य समिति जिसका उद्देश्य है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच भाईचारे की भावना पैदा करना और साथ ही साथ दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निवारण करना अगर दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को वहीं पर निवारित कर दिया जाता है तो इसके माध्यम से यह कार्य समिति भविष्य में कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न न होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके साथ ही साथ इस कार्य समिति का जो उद्देश्य है जो इसका इसका कार्य है वह है भाईचारे की भावना विकसित करना और हम सभी जानते हैं अगर अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में अगर भाईचारे की भावना अविकसित होती है तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने की की जो जो संभावना है वह कम होती जाएगी तो यह कार्य कार्य समिति को दिया गया है कार्य समिति नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को बढ़ावा देता है वह कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिसके माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध हो या फिर अच्छा संबंध हो उसके लिए भी जो सुझाव हैं वो सुझाव कार्य समिति के द्वारा दिया जाना चाहिए अब अब इन इन प्रावधानों से हमें यह प्रतीत होता है कि कार्य समिति एक ऐसी समिति है जो नियुक्ता या फिर आ, आ, कर्मचारियों कर्मचारियों से बनी हुई एक समिति है और जो हमेशा उस उद्योग में विद्यमान रहती है और चीज़ों को वहाँ पर वो देखती रहती है इसी संदर्भ में हम कार्य समिति के गठन उसके कार्यों की चर्चा करेंगे प्रथम दृष्टया जो कार्य समिति है इसका इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में अगर कार्य समिति अपने अपने कार्यों का निर्वहन करता है और भाईचारे की भावना को विकसित करने में सफल रहता है नियुक्ता और कर्मचारी के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में सफल रहता है तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है और इसी उद्देश्य के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में कार्य समिति का गठन किया गया है एक कार्य समिति का गठन धारा छह के तहत किया गया है और कार्य समिति का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम की, की धारा छह के अनुसार उन उद्योगों में किया जाएगा जहां पर सौ या अधिक कर्मचारी हैं, अर्थात उन उद्योगों में जहां पर सौ या सौ से कम कर्मचारी हैं वहां पर कार्य समिति समीत, समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कार्य समिति केवल और केवल ऐसे उद्योगों में गठित की जाएगी जहां पर कर्मचारियों की संख्या सौ से अधिक है साथ ही साथ जब एक कार्य समिति गठित की जाती है तो उस कार्य समिति में नियोक्ता और कर्म कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं और इन प्रतिनिधियों की संख्या समान होती है जितने प्रतिनिधि नियोक्ता की तरफ से होंगे उतने ही प्रतिनिधि यहाँ पर आ, कर्मचारियों की ओर से होते हैं और और इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर कर्मचारी और नियोक्ता को प्रधान को समान प्रतिनिधि मिल सके अगर इनको समान प्रतिनिधि मिलेगा तो ऐसे में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में इस इस समिति का एक योगदान होगा इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि कार्य समिति के सदस्यों की कुल संख्या 20 से अधिक नहीं होगी अर्थात अगर हम इसको ऊपर के आ, प्रावधान से जोड़ करके देखें तो यहाँ पर किसी किसी ऐसे उद्योग में जहाँ पर सौ या सौ से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं ऐसे उद्योग को एक कार्य समिति गठित करने की आवश्यकता है और उस कार्य समिति में अधिकतम 20 सदस्य होंगे और उन 20 सदस्यों में से 10 सदस्य नियोक्ता की तरफ से होंगे और दस सदस्य कर्मचारियों की तरफ से होंगे नियोक्ता की तरफ से जो सदस्य होते हैं उसको सामान्यतः नियोक्ता के द्वारा नामित किया जाता है उनका नामांकन होता है दूसरी तरफ कर्मचारियों की तरफ से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसको निर्वाचित किया जाता है उनको नामित नहीं किया जाता सामान्यतः किसी भी उद्योग में कर्मचारियों की संख्या नियुक्ता की और मैनेजमेंट के जो 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 कर्मचारी हैं उनकी तुलना में अधिक होती है तो ऐसे में अगर वहाँ पर सदस्यों को नामित किया जाएगा तो यह एक औद्योगिक एक, एक एक लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा अच्छा यह होगा कि आप कर्मचारियों के तरफ से कर्मचारियों का प्रतिनिधि कौन होगा उसको आप निर्वाचित कर लेंगे ऐसा प्रावधान विधि में दिया गया है कार्य समिति का कार्य इसका संबंध रोजमर्रा के कामकाज की सामान्य समस्याओं से है अर्थात जो कार्य समिति है वह हर रोज प्रतिदिन वो अपना कार्य करती है वो हर रोज की जो समस्या है छोटी से छोटी समस्या जो है उस पर अपना सुझाव देती है और अपने सुझाव के माध्यम से वो एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और और अंततः किसी बड़े औद्योगिक विवाद को रोकने में सफल होता है यह कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष या घर्षण को कम करने का प्रयास करता है तो जैसे ही नियुक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई कोई विवाद उत्पन्न होता है कोई डिफरेंसेस मतभेद उत्पन्न होते हैं कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो शुरुआत में ही वर्क कमेटी वहाँ पर अपना कार्य अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा वहाँ पर अपना सुझाव देगा और इसके माध्यम से एक औद्योगिक विवाद के रोकथाम का प्रयास करेगा इसके साथ ही साथ जो कार्य समिति है यह कार्य समिति नियोक्ता और श्रमिकों के बीच मित्रता और अच्छे संबंध साथ ही साथ सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है मित्रता का जो आवश्यक है जो आवश्यकता है अच्छे संबंध की जो आवश्यकता है और साथ ही साथ इनके हितों की सुरक्षा की जो आवश्यकता है यह सारा का सारा प्रयास कार्य समिति के द्वारा किया जाता है ये कार्य समिति का कार्य है उनके सामान्य हितों के मामले पर टिप्पणी करना भी कार्य समिति का कार्य है अर्थात कोई ऐसा मामला है कोई ऐसा विषय है जहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों का हित वहाँ पर सम्मिलित है तो ऐसे मुद्दे पर उनको सुझाव देना और क्या करना है क्या नहीं करना है ये निर्देश देना भी कार्य समिति का कार्य है और इस तरह से कार्य समिति किसी भी भौतिक मतभेद को दूर करने का प्रयास करता है ये कोई भी ऐसा मतभेद जो भविष्य में औद्योगिक विवाद का कारण बन सके ऐसे ऐसे, ऐसे एक एक मतभेद को दूर करने का पूरा प्रयास कार्य समिति के द्वारा किया जाता है कार्य समिति की एक भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि कार्य समिति द्वारा दिए गए सुझाव कहाँ तक बाध्यकारी हैं सामान्यतः देखा यह जाता है कि जो कार्य समिति के निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते कार्य समिति के निर्णय नियोक्ता के लिए या फिर कर्मचारी के लिए बाध्यकारी नहीं हैं ये केवल ऐसे निर्णय हैं ये केवल ऐसे कार्य हैं जिसको नियोक्ता मान सकता है नहीं मान सकता है कर्मचारी मान सकता है नहीं मान सकता है आप उन्हें वर्क समिति के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते शायद यही कारण है कि कार्य समिति का जो ये एक, एक, एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कार्य है वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका है क्योंकि आपने उसे बाध्यकारी नहीं बनाया है कार्य समिति कहाँ तक अपने कार्यों में सफल रही है नहीं रही है इस पे चर्चा होती रहती है और और इसी संदर्भ में कि कार्य समिति कहाँ तक सफल है और अगर कार्य समिति असफल है तो असफल होने का कारण क्या है इसके लिए भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी संस्तुति उन्नीस में सरकार को सौंपी थी उस संस्तुति में श्रम आयोग ने भी कार्य समिति के उस उस निर्णय के बाध्यकारी ना होने को गलत माना है और वहाँ पर कुछ उसने सुझाव दिए हैं श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया कि समिति के सफल कामकाज के लिए कुछ कुछ बिंदुओं का पालन किया जाना आवश्यक है उसमें एक है प्रबंध प्रबंधन की ओर से उत्तरदायी रवैया किसी भी उद्योग में जो नियोक्ता है जो मैनेजमेंट है जो प्रबंधन है उसकी तरफ से एक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की जानी चाहिए उन्हें यह प्रचार प्रसार करने पर ध्यान देना चाहिए कि कार्य समिति है कार्य समिति का गठन किया गया है और कार्य समिति नियोक्ता और कर्मचारी के बीच किसी भी द्वंद्व को किसी भी संघर्ष को किसी भी मतभेद को दूर करने के लिए है और ऐसे में अगर प्रबंधन कार्य समिति के सुझावों को मानता है कार्य समिति के सुझावों को अमल करता है तो ऐसे में कार्य समिति के सफल होने में नियोक्ता और उसका प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसके बाद आयोग ने यह भी माना कि जो कार्य समिति है उस कार्य समिति को ट्रेड यूनियनों का पर्याप्त समर्थन होना चाहिए ट्रेड यूनियन का अगर पर्याप्त समर्थन होगा तभी कार्य समिति के जो निर्णय होंगे उसको ट्रेड यूनियन मानेंगे और इस तरह से ट्रेड यूनियन और और नियोक्ता दोनों को अपना निर्णय मनवाने में या फिर उसको ध्यान में रखने में कार्य समिति सफल होगा तो तो म, ये दोनों के लिए आवश्यक है नियोक्ता के लिए भी आवश्यक है कर्मचारी और उनके ट्रेड यूनियन के लिए भी आवश्यक है कि वह कार्य समिति के कार्य का उसके निर्णय का एक एक सम्मान करें साथ ही साथ समिति के कार्यों की उचित सराहना की जानी चाहिए अगर समय समय पर नियोक्ता के द्वारा ट्रेड यूनियन के द्वारा कार्य समिति द्वारा किए गए किए गए कार्य लिए गए निर्णय की सराहना की जाती है तो ऐसे में कार्य समिति और अच्छी स्थिति में काम करने के लिए और अच्छा सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित होगी और और इसके माध्यम से हम औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं साथ ही साथ आयोग ने यह भी अनुशंसा दी कि कार्य समिति की, की अनुशंसा को पूर्ण मनोयोग से क्रियान्वित करें अब जो समस्या है जो हमारे विधि में आज भी जो प्रावधान है कि कार्य समिति के निर्णय नियोक्ता और ट्रेड यूनियन और कर्मचारी के लिए बाध्यकारी नहीं है इस 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 उपबंध के विरुद्ध जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जो सुझाव दिया था उन्नीस में उसने कहा था कि कार्य समिति की अनुशंसा को पूर्ण मनोयोग के साथ क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है अर्थात इसे बाध्यकारी बनाए जाने की आवश्यकता है इसके पश्चात कार्य समिति सफल हो सकती है अपने कार्यों के निष्पादन में सफल हो सकती है अगर दोनों तरफ से नियोक्ता की तरफ से और और ट्रेड यूनियन की तरफ से एक विश्वास का माहौल पैदा किया जाए तो अंततः हम यह कह सकते हैं कि कार्य समिति अपने कार्यों में कितना सफल होगा यह निर्भर करता है कि कार्य समिति को उसके उपायों को उसके उसके कार्यों को लेकर के नियोक्ता कर्मचारी और उनके ट्रेड यूनियन कितने संजीदा हैं इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो औद्योगिक विवाद की रोकथाम के लिए अलग उपाय किए गए हैं आ, ऐसा है एक उपाय उन्नीस में औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में जोड़ा गया और वो उपबंध धारा 9 सी में दिया गया है औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम उन्नीस की धारा नौ सी परिवाद निपटारा प्राधिकरण की स्थापना करता है परिवाद निपटारा प्राधिकरण की अगर कोई भी गृह है एम्प्लॉयर का या फिर एम्प्लॉय का वर्कमैन का तो उसके निपटारा करने के लिए एक परिवाद निपटारा प्राधिकरण की स्थापना की गई है धारा नौ सी में यही कहता है कि परिवाद निपटारा अधिकारी किसी ऐसे उद्योग में गठित किए जाएंगे इनकी स्थापना किसी ऐसे उद्योग में की जाएगी जहां पर कम से कम 20 कर्मचारी नियोजित किए गए हैं अगर 20 या 20 से कम कर्मचारी हैं तब वहाँ पर आपको परिवाद निपटारा प्राधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे हर उद्योग में जहाँ पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है कर्मचारियों को नियोजन में रखा गया है तो ऐसे में वहाँ पर परिवाद निपटारा प्राधिकरण का गठन किया जाना आवश्यक है और ऐसा गठन तीस दिन के भीतर किया जाना चाहिए साथ ही साथ यह वर्क समिति की का जो जो दर्शन है उसके गठन का जो दर्शन है उसी को यहाँ पर आ, उसी का अनुसरण करता है और कहता है दोनों के प्रतिनिधियों की समान संख्या होगी यहाँ पर जो परिवाद निपटारा प्राधिकरण है इस परिवाद नि, निपटारा प्राधिकरण में नियोक्ता और कर्मचारियों के समान सदस्य होंगे और साथ ही साथ समय के साथ जो जो विधि में परिवर्तन आता है जो प्रगतिशील परिवर्तन आता है वह प्रगतिशील परिवर्तन यहाँ पर परिलक्षित होता है जब उन्नीस में परिवाद निपटारा प्राधिकरण स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर यह उपबंध बनाया जाता है कि परिवाद निपटारा प्राधिकरण में कम से कम एक महिला सदस्य जरूर होगी अधिकतम छः महिला सदस्य हो सकती है लेकिन कम से कम एक महिला सदस्य जरूर होगी इसके बाद कर्मचारी या ट्रेड यूनियन ऐसे विवादों को परिवार निपटारा प्राधिकारी को संदर्भित कर सकते हैं जो उनके बीच में उत्पन्न हुई है और और जो उनके बीच में केवल और केवल मतभेद के कारण उत्पन्न हुई है और और उस मतभेद के कारण जो दूसरा पक्षकार है वो अपने आप को एग्रीव फील कर रहा है और उसके लिए वो परिवाद देना चाहता है तो ऐसे में कोई भी पक्षकार जो अपने आप को अग्रीव पक्षकार मानता है वो वहाँ पर एक 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 परिवाद निपटारा प्राधिकरण को आवेदन दे सकता है यह परिवाद निपटारा जो प्राधिकरण है यह औद्योगिक विवाद उठाने के श्रमिक के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है अर्थात इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अगर हमारे पास कोई विवाद है तो उस विवाद को हम अगर अगर परिवाद निपटारा प्राधिकरण को के पास लेकर के जाते हैं उसके पास आवेदन देते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि हम औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जो नया निर्णय के और प्राधिकारी हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं तो ये एक, एक अच्छा कदम है जो ये कहता है कि आप प्रयास कीजिए शुरुआत में आप जो जो परिवाद निपटारा प्राधिकरण है यहाँ पर अपना विवाद निपटारा करने का प्रयास कीजिए अगर नहीं होता है तो फिर आप औद्योगिक विवाद के रूप में आप न्याय निर्णय के लिए या फिर अन्य प्राधिकारियों के समक्ष जा सकते हैं तो यह एक तरह से कर्मचारियों को या फिर नियुक्ता को प्रोत्साहित करने का प्रयास है कि वो परिवाद निपटारा प्राधिकरण को मान परिवाद निपटारा प्राधिकरण जैसा कि हमने बताया कि हर उन, उन हर उद्योगों में स्थापित किया जाएगा गठित किया जाएगा जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारियों को नियोजन पे रखा गया है तो अगर आपका मामला कोई है कोई परिवाद है तो अपने ही उद्योग में जो परिवाद निपटारा प्राधिकरण बनाया गया है उसमें आप जाकर निपटारित आप, आप करा सकते हैं इसके साथ ही साथ औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए ढेर सारी मशीनरी की स्थापना की गई है और, और उसी क्रम में हम आ, एक एक, एक, एक मशीनरी की चर्चा करेंगे और पहला मशीनरी यहाँ पर है सुलह की मशीनरी कंसिलेशन की मशीनरी हम सभी जानते हैं जब भी दो पक्षकारों के बीच में कोई मतभेद या कोई विवाद होता है तो दो पक्षकार आपस में आपसी सहमति से किसी थर्ड पक्षकार के माध्यम से अपने मतभेद को दूर करा सकते हैं और और उसके लिए जो सबसे प्रचलित मशीनरी है जो सबसे प्रचलित प्रथा है वह है सुलह की प्रथा औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए यह एक प्रेरक प्रक्रिया है यह प्रोत्साहित करता है क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय लेने की जो है वह बहुत तीव्र गति की होती है और यहाँ पर बहुत ढेर सारे प्रक्रियाओं और नियमों को पूरा करने या उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे में सुलह के संदर्भ में दो पक्षकारों के बीच में जब विवाद होता है जब दो पक्षकारों के बीच में मतभेद होता है तो तीसरा पक्ष विवादकर्ताओं को अपने दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से समायोजित करने के लिए राजी करता है अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो सौहार्दपूर्ण से अगर विवाद का या फिर मतभेद का निपटारा कर दिया जाए और निपटारे के के संदर्भ में निपटारा अगर एक पक्षकार के आ, आ, पक्ष में किया जाता है और दूसरा पक्षकार वहाँ पर अपने आप को पीड़ित महसूस करता है तो ऐसे में कभी भी उस विवाद का अंत नहीं होगा जो पीड़ित पक्ष है वो अपील में फिर हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगा और और एक लंबे समय तक वो मामला आ, आ, चलता रहेगा ऐसे में जो सुलह की प्रक्रिया है सुलह की प्रक्रिया में दोनों पक्षकारों के बीच विवादकर्ताओं को अपने दावों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समायोजित करने के लिए राजी करने का काम तीसरा पक्षकार करता है जो कंसिलेशन ऑफिसर होता है वो इसको करता है और हम सभी जानते हैं कि ये जो सुलह की प्रक्रिया है यह सुलह की प्रक्रिया दोनों पक्षकारों की आम सहमति पर आधारित है अगर शुरुआत में दोनों पक्षकारों की सहमति नहीं है तब वहाँ पर सुलह नहीं हो पाएगा सरकार व्यक्तियों को सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है यहाँ पर सरकार धाराचार के अनुसार सुलह अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान बनाता है जो सुलह अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे मामला सुलह के लिए उनको संदर्भित किया जाएगा औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और, और उसके निपटारे को बढ़ावा देने का कर्तव्य पे अधिरोपित किया गया है जो भी सुलह अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा इस सुलह अधिकारी का यह दायित्व होता है यह कर्तव्य होता है कि वह औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता के माध्यम से उसको निपटारा करे और 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 उस निपटारा को बढ़ावा दे और और यह यह दायित्व अधरूपित किया गया है सुलह अधिकारी के ऊपर इसके साथ ही साथ सरकार ने सुलह अधिकारियों के अतिरिक्त सुलह बोर्ड की भी स्थापना की है जिसका जिसका जिक्र हमको औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा पाँच में देखने को मिलेगा सरकार किसी औद्योगिक विवाद के निपटारे को बढ़ावा देने के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकती है ये पूरा का पूरा विवेकाधिकार सरकार के पास है सरकार किसी उद्योग के संदर्भ में अगर एक सुलह बोर्ड गठित करना चाहती है तो कर सकती है अगर सुलह बोर्ड गठित नहीं करना चाहती है तो नहीं कर सकती है यह पूरा का पूरा विवेकाधिकार सरकार के पास है लेकिन ऐसा प्रोविजन ऐसा उपबंध धारा पाँच में दिया गया है सुलह बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा और और साथ ही साथ उसके दो या चार सदस्य होंगे जो प्रतिनिधि होंगे दो या चार यहाँ पर कहने का तात्पर्य है अगर उसके सदस्य दो हैं तो एक सदस्य नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करेगा और एक सदस्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा और अगर यहाँ पर बोर्ड में सदस्यों की संख्या चार है तो यहाँ पर दो सदस्य नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करेंगे और दो सदस्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे सुलह बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा या यह अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा या नियोक्ता या फिर कर्मचारी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है इसको गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जब कोई औद्योगिक विवाद मौजूद हो या आशंका हो कि ऐसा एक विवाद अस्तित्व में आ सकता है तो सरकार मामले को सुलह बोर्ड को भेज सकती है ऐसा प्रोविजन ऐसा उपबंध औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा दस एक ए में दिया गया है अर्थात सरकार यह मान के चलती है या फिर ऐसा उसने उपबंध किया हुआ है कि जब भी उसे प्रतीत होता है कि एक औद्योगिक विवाद या तो अस्तित्व में है या उसकी आशंका है कि एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकता है तो ऐसी स्थिति में वह औद्योगिक विवाद जो अभी जिसकी आशंका वह ऐसा भी मामला सुलह बोर्ड को संदर्भित कर दिया जाएगा और और सुलह बोर्ड उस पर अपनी राय प्रस्तुत करेगा सुलह बोर्ड के अतिरिक्त जो अगला प्राधिकारी है वह प्राधिकारी है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब भी औद्योगिक विवाद का निपटारा किया जाएगा तो औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए इंक्वायरी किया जाना आवश्यक है जब तक हम तथ्यों को नहीं जानेंगे तब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि विवाद का कारण क्या है या फिर विवाद का विषय वस्तु क्या है ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा छः के तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना का उपबंध किया गया है और यह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है सरकार औद्योगिक विवादों से जुड़े मामलों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर सकती है अब अब ये भी यहाँ पर भी पूरा का पूरा विवेकाधिकार सरकार को है सरकार किसी पर्टिकुलर मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर सकती है किसी मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित नहीं कर सकती है ये डिसीजन लेने का जो जो अधिकार है वो सरकार के पास है कि कहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करना है और कहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित नहीं करना है हाँ यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को गठित करने का तात्पर्य होता है किसी मामले में जांच करना जहाँ सरकार को यह प्रतीत होता है कि एक औद्योगिक विवाद हुआ है या फिर एक औद्योगिक विवाद होने की संभावना है तो ऐसे में उन तथ्यों की जांच करना जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि औद्योगिक विवाद है हुआ है नहीं है उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दो स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे एक या दो स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे और औद्योगिक विवादों से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए तो या तो एक लोग इस ए, ए, एक, एक मेंबर होंगे एक सदस्य होंगे इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में या फिर दो सदस्य इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होंगे इसके साथ ही साथ आ, आ, औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में स्वैच्छिक मध्यस्थता की भी बात की गई है माना यह जाता है कि जो स्वैच्छिक मध्यस्थता होता है स्वैच्छिक मध्यस्थता के आधार पर बहुत बहुत तीव्र गति से किसी मतभेद या विवाद की स्थिति में हम औद्योगिक विवाद की स्थिति में निपटारा करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में स्वैच्छिक मध्यस्थता धारा दस ए में दिया गया है इसका उपबंध यह कहता है कि यदि नियोक्ता और कामगार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत है तो ये, ये विवाद को श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण को भेजे जाने से पहले किसी भी समय एक लिखित समझौते द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकते अब यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई मामला दोनों पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा तो ऐसा मध्यस्थता के लिए भेजा जाना हमेशा और हमेशा मामले का श्रम न्यायालय या प्राधिकरण को भेजे जाने से पहले होना चाहिए अर्थात न्याय निर्णय से पहले मध्यस्थता का प्रयास किया जाएगा अगर मध्यता मध्यस्थता के आधार पर मतभेदों का या विवाद का निपटारा किया जा सकता है तब ऐसी स्थिति में न्याय निर्णय में जाने की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में फिर मध्यस्थता के आधार पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर उस विवाद का एक एक हल ढूंढा जाएगा ढूंढने का प्रयास किया जाएगा स्वैच्छिक मध्यस्थता के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 ए में की गई है और यह कहता है कि समझौते के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है और मध्यस्थता समझौते पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जब भी मध्यस्थता का एक एग्रीमेंट बनेगा एक समझौता बनेगा तो जो भी उसके पक्षकार हैं वो पक्षकार उस समझौते पर अपना हस्ताक्षर करेंगे इसके पश्चात मध्यस्थ समझौते को सरकार को भेजा जाएगा और मध्यस्थ विवाद की जांच की जाएगी और जांच के पश्चात मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया जाएगा मध्यस्थता अवार्ड पारित किया जाएगा और यह दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तो अब इस प्रक्रिया में आप देखिए जो जो सुलह की कमी थी जो जो या फिर वर्ग समिति की जो कमी थी जहाँ पर उसके सुझाव को बाधिकारी नहीं माना गया था उसको यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है मध्यस्थता के द्वारा दोनों पक्षकार आपसी सहमति से मध्यस्थता का चुनाव करेंगे मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ेंगे और मध्यस्थता का जो उनका समझौता हुआ है उस पे दोनों पक्षकार अपनी आ, अपना हस्ताक्षर करेंगे तत्पश्चात यह जो मध्यस्थता समझौता है ये सरकार को प्रसिद्ध किया जाएगा और मध्यस्थता होने के बाद उस पे दोनों पक्षकार अपनी सहमति देंगे और बाद में एक मध्यस्थता पुरस्कार जिसको अवार्ड कहते हैं पारित किया जाएगा जो दोनों पक्षकारों पक्षकार पर बाध्यकारी होगा इसके पश्चात हम न्याय निर्णय पर आते हैं अभी तक का जो मामला था उसमें हमने कार्य समिति उसमें हमने सुलह सुलह बोर्ड या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और मध्यस्थता की बात की लेकिन उन्नीस में जब डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बना था भारत सुरक्षा अधिनियम बना था तो भारत सुरक्षा अधिनियम बनने के दौरान 1942 में जैसा हम सभी जानते हैं कि उस समय कर्मचारियों के द्वारा कर्मगारों के द्वारा हड़ताल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ऐसे में उनकी उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के नियम इक्यासी के तहत सरकार ने औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए अपने को बहुत शक्तिशाली बनाया था और उसी शक्ति का यूज़ करके डिफेंस डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत न्याय निर्णय की प्रक्रिया का यहाँ पर शुरुआत की गई थी माना यह जाता है कि जो न्याय निर्णय की प्रक्रिया होती है यह एक प्रक्रिया एक, एक एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है जो जो आ, बहुत ज़्यादा जिसमें समय लगता है और और ऐसे में औद्योगिक विवाद या फिर औद्योगिक जो शांति है वो भंग हो सकती है औद्योगिक विवाद लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है तो ऐसे में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय का बहुत ज़्यादा उपयोग न करने की प्रवृत्ति रही हुई है उसके पश्चात भी यहाँ मैंने आपसे बताया कि श्रम एवं औद्योगिक विधि का जो दर्शन है वह यह है कि औद्योगिक शांति स्थापित हो उत्पादकता बढ़े और ऐसे में अगर कोई ऐसा विवाद है कोई ऐसा मतभेद है जो किसी भी तरीके से दूर नहीं किया जा रहा है तो अंततः हमको न्याय निर्णय में जाना पड़ेगा और जैसे जैसे औद्योगिक विवादों की प्रकृति में जटिलता आती जा रही है वैसे वैसे न्याय निर्णय की जो जो आवश्यकता है वो बढ़ती चली जा रही है औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय जब पक्षकार सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने में असमर्थ होते हैं अर्थात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है समझने के लिए वह यह है कि अगर औद्योगिक विवादों का या किसी मतभेद का सुलह या मध्यस्थता के द्वारा निपटारा कर लिया जाता है तब हमें न्याय निर्णय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी हम न्याय निर्णय में तभी जाते हैं जब हमारे पास सुलह और मध्यस्थता कोई कोई सहयोग हमें नहीं कर पाता है 1942 में भारत के रक्षा नियमों के तहत अनिवार्य न्याय निर्णय की प्रणाली शुरू की गई और इसके लिए आ, जो भारत रक्षा नियम 1942 है उसका नियम इक्यासी महत्वपूर्ण है और और उसी भारत रक्षा नियम को का अनुसरण करते हुए उन्नीस में जब औद्योगिक विवाद अधिनियम बना तो उसमें भी अनिवार्य न्याय निर्णय की व्यवस्था की गई तो आज हमारे पास अनिवार्य न्याय निर्णय की व्यवस्था है और यह व्यवस्था औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में भी आ, 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 बरकरार है ट्रिब्यूनल नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए उपयुक्त अवार्ड देता है न्याय निर्णय में जो भी प्राधिकारी यहाँ पर गठित किए गए हैं उस प्राधिकारी का यह परम दायित्व होता है कि सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए जो उपयुक्त अवार्ड या फिर फिर निर्णय होंगे उस निर्णय को यहाँ पर लागू किया जाता है श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण और और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय न्या प्रणाली का निष्पादन किया जाता है न्याय निर्णय यहाँ पर सामान्यतः तीन प्राधिकरणों के द्वारा आ, चलाया जाता है एक है श्रम न्यायालय दूसरा है श्रम न्यायाधिकरण और तीसरा यहाँ पर है न्याय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है उसमें पहला है श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय की स्थापना की बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा सात में की गई है धारा सात में सरकार को यह प्राधिकार प्राप्त है कि सरकार एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन कर सकता है तो श्रम न्यायालय का गठन हमेशा और हमेशा सरकार के द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर सरकार से तात्पर्य उपयुक्त सरकार से है यहाँ पर केंद्र सरकार भी हो सकता है और राज्य सरकार भी हो सकता है जिसके विषय वस्तु में वो मामला आएगा और और जब भी श्रम न्यायालय का गठन किया जाएगा सरकार के द्वारा तो ऐसा श्रम न्यायालय दूसरी अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट विषय है उससे संबंधित किसी मामले से में जब औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति होती है तो ऐसे मामलों के न्याय निर्णय के लिए वो आगे बढ़ेगा तो अब यहाँ पर श्रम न्यायालय का गठन किया गया है लेकिन श्रम न्यायालय को जो जो उसका क्षेत्राधिकार है उसको सीमित किया गया है कि किस तरह के मामलों पर श्याम श्रम न्यायालय को ए, एक एक अधिकार होगा निर्णय देने का साथ ही साथ अन्य मामले आ, अन्य किसी मामले में भी न्याय निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को प्राधिकार सरकार के द्वारा दिया जा सकता है महत्वपूर्ण उपबंध यह है कि श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा अर्थात जो श्रम न्यायालय है वह एक व्यक्ति द्वारा गठित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति का एक शैक्षणिक योग्यता है उस योग्यता को जो व्यक्ति पूरा करता है उसी को ही श्रम न्यायालय का एक एक पदाधिकारी बनाया जाता है केवल योग्य व्यक्ति को ही श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है और और अगर हम उस उस उपबंध को देखें तो कोई भी कोर्ट का उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में न्यायाधीश है या पूर्व में न्यायाधीश था या फिर कोई भी ऐसा जिला न्यायाधीश जो तीन साल सर्विस में रहा हुआ है कम से कम या फिर कोई भी ऐसा लेबर कमिश्नर डिप्टी लेबर कमिश्नर जो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है कोई भी ऐसा ज्वाइंट लेबर कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है ये वो लोग हैं जिनको श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनने के लिए इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए सक्षम माना गया है योग्य माना गया है इसके साथ ही साथ जो दूसरा न्यायाधिकरण है जो 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 दूसरा प्रावधान है वो श्रम न्यायाधिकरण को लेकर के है और श्रम श्रम न्यायाधिकरण की स्थापना धारा सात ए के तहत की जाती है सरकार एक या अधिक श्रम न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकती है गठन कर सकती है तो यहाँ फिर से सरकार से तात्पर्य उपयुक्त सरकार से है वह केंद्र सरकार भी हो सकता है वह राज्य सरकार भी हो सकता है केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपने अपने मामलों में एक या एक से अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरणों को गठित करने का प्राधिकार प्राप्त है और ऐसा जो प्राधिकार प्राप्त है वो आ, आ, ऐसा जो न्यायाधिकरण गठित किया जाएगा वो अनुसूची दो और अनुसूची तीन में विदिष्ट विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए होगा जहां आपने देखा कि श्रम न्यायालय केवल अनुसूची दो के विषयों से संबंधित मामलों में ही निर्णय लेने के लिए सक्षम है वहीं पर आपका जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है वह अनुसूची दो के साथ साथ तीसरी अनुसूची में संदर्भित विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों को भी निपटाने के लिए सक्षम माना गया साथ ही साथ अन्य मामले भी आ, श्रम न्यायालय को या साथ ही साथ औद्योगिक न्यायाधिकरणों को संदर्भित किया जा सकता है राष्ट्र औद्योगिक न्यायाधिकरण में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा और केवल योग्य व्यक्ति को ही श्रम न्यायालय के पीठाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो जो एक व्यक्ति है और उसका उसकी जो योग्यता की बात है वो वही योग्यता है जो श्रम न्यायालय के संदर्भ में लागू होता है यहाँ पर भी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश वर्तमान या पूर्व जिला न्यायाधीश जिसकी कम से कम तीन साल सेवा में रहा हो या कोई ऐस, ऐस, ऐसा डिप्टी लेबर कमिश्नर जो सर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो ऐसा कोई ज्वाइंट लेबर कमिश्नर जो कि राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया हो कि इन लोगों को आ, ये योग्यता है इन लोगों के पास योग्यता है कि इन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण का एक पीटासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है इसी के साथ ही साथ न्यायाधिकरण को सलाह देने के लिए सरकार दो व्यक्तियों को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकती है जैसा हमने देखा कि जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है ये केवल एक व्यक्ति से गठित होता है तो ऐसे एक प्राधिकारी के से गठित होने के बाद अगर इस इस औद्योगिक प्राधिकरण न्यायाधिकरण को आवश्यकता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा उसे सलाह देने के लिए दो व्यक्तियों को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो उस उस न्यायाधिकरण को सलाह देंगे इसके साथ साथ जो तीसरा यहाँ पर प्राधिकारी है वो है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण धारा सात बी के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा सात बी के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है और यह स्थापना हमेशा और हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है यहाँ पर आ, सरकार से तात्पर्य केवल केंद्र सरकार से है केंद्र सरकार औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वह औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकता है धारा सात बी के तहत और और यहाँ पर प्रश्न यह है कि कौन से मामले हैं जिसको नि, जिसके निपटारा किए जाने के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी नेशनल ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि वो ऐसे मामले जिसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न शामिल हों ऐसे मामले औद्योगिक विवाद का ऐसा मामला जिसमें राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल हो ऐसे हर मामले को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के द्वारा निपटारा किया जाएगा ऐसे मामले को श्रम न्यायालय या फिर औद्योगिक ट्राइब्यूनल को औद्योगिक न्यायाधिकरण को नहीं भेजा जाएगा इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि कोई औद्योगिक औद्योगिक विवाद इस प्रकृति का है कि वह एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विवादों में रुचि लेने या उन्हें प्रभावित करने की संभावना रखता है तो ऐसे संदर्भ में भी यह मामला संदर्भित किया जाएगा एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा जिसे केंद्र केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का जो प्राधिकारी होगा इसका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो केवल और केवल उच्च न्यायालय का कोई वर्तमान न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है इसके अतिरिक्त किसी और अपराधिकारी को जिसे श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या फिर जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीटा अधिकारी बनने की योग्यता प्राप्त है उसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का पीठासीन बनने का योग्यता प्राप्त नहीं है औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय निम्नलिखित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है कोई व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना रहा हो न हो या न रहा हो वर्तमान या पूर्व में केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उसके समक्ष कार्यवाही में सलाह देने के लिए दो व्यक्तियों को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकती है तो महत्वपूर्ण बात यहां पर है जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात थी उसी तरह से राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के मामले में भी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में केवल एक पीठासीन अधिकारी है केवल एक 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 व्यक्ति वहाँ पर अधिकारी के रूप में काम कर रहा है तो उसे सलाह देने के लिए दो मूल्यांकनकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है इसके साथ इस साथ हम विवादों का संदर्भित किया जाना भी हमें समझना चाहिए श्रम एवं औद्योगिक विधि के संदर्भ में जब भी कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है या उसे उत्पन्न होने की आशंका होती है और उसका न्याय निर्णय होना होता है तो ऐसे में कोई भी मामला डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से न्याय निर्णय के लिए श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायालय के पास नहीं जा सकता है हमेशा और हमेशा यह मामला सरकार के माध्यम से ही इन प्राधिकारियों के पास पहुंचेगा। जहां सरकार की राय है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या इसकी आशंका है वहीं पर सरकार इस मामले को निर्णय के, के लिए विवाद को बोर्ड के पास भेजा जा सकता है विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए जांच न्यायालय को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भेजा जा सकता है विवाद से जुड़ा मामला यदि या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है तो श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है विवाद से जुड़ा मामला अगर वह दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है तो वह न्याय निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है और 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 इसके साथ ही साथ आ, समय के साथ कुछ स्वैच्छिक उपाय भी शैक्षिक मशीनरी भी डेवलप हुआ है भारत में और आ, वैधानिक मशीनरी के अलावा औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए कई स्वैच्छिक मशीनरी स्थापित की गई हैं उसमें पहला है संयुक्त प्रबंध परिषद यह परिषद अस्तित्व में आया था उन्नीस में जब राष्ट्रीय औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया था और इसका प्रयास कल्याणकारी उपायों का प्रशासन करना है जिससे औद्योगिक विवादों का निपटारा किया सकते साथ ही साथ अनुशासन संहिता उन्नीस संतावन के द्वारा श्रम कानूनों के तहत दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ता और कर्मचारियों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और अंत में त्रिपक्षीय परामर्शी मशीनरी के द्वारा त्रिपक्षी मशीनरी के द्वारा आईएलओ के सम्मेलनों के अनुसमर्थन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है सारांश में हम देखें तो इस व्याख्यान में हमने औद्योगिक विवाद के रोकथाम एवं निपटारा की क्या आवश्यकता है क्यों इसको निपटारा किया जाना चाहिए इस पर हमने चर्चा की साथ ही साथ औद्योगिक विवादों के रोकथाम एवं निपटारा के वैधानिक उपायों को समझने का प्रयास किया इसके पश्चात हमने औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय हेतु श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के कई कार्यप्रणाली को समझा और तथा विवादों को बोर्डों अदालतों और न्यायाधिकरणों को संदर्भित करने के उपबंध को जाना साथ ही साथ हमने औद्योगिक विवाद के निपटने के लिए स्वैच्छिक मशीनरी को भी जानने का प्रयास किया ठीक है धन्यवाद